सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा में, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। जी उपाध्यक्ष विधानसभा श्री रणवीर गंगवा जी, सभी हमारे उपस्थित मंत्रीगण विधायकगण, यहां आमंत्रित किए गए हमारे सांसद बंधुगण, उपस्थित पत्रकार छायाकार मित्रों, हर वर्ष हर जो हमारा विधानसभा का जो पहला वर्ष होता है सत्र का, यानी इस 5 साल के कार्यकाल का, तो सामान्यतः इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पिछली बार मैं पहली बार विधायक बन के आया था, तो तब भी हमको इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया था। हम सब लोग नए विधायकों के लिए बहुत कारगर था। इस बार भी जैसे बताया कि आधे आधे विधायक नए पुराने हैं, और पुराने में भी कोई एक सत्र पुराना, कोई 2 सत्र, 3 सत्र, 7-7 सत्र के भी विधायक यहाँ हैं, और अगर लोकसभा के भी सभी सत्रों को जोड़ लिया जाए तो 8-8, 9-9 बार के भी विधायक सांसद यहाँ सब बैठे हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से चीजें परिवर्तन होती रहती हैं, और हर नए परिवर्तन की जानकारी और उसकी एक शिक्षा, उसका एक नॉलेज, ये समय समय पर प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति हर समय सीखने की एक लालसा, एक ललक रखता है, और जिसमें सीखने की ललक और लालसा समाप्त हो जाती है, समझो उस व्यक्ति का आगे बढ़ना रुक जाता है, और कभी कभी तो व्यक्ति पीछे मुड़ना चला यानी शुरू हो जाता है, उसका पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए समय के हिसाब से हमको हर नई विधा की जानकारी, हर नए नियम की जानकारी, और आवश्यकता पड़ने पर, चूंकि हम विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, और विधायिका का काम है कि आवश्यकता के हिसाब से नई चीजों का, नए नियमों का, नए कानूनों का निर्माण करना, क्योंकि जनहित में ये हमारे जिम्मे है कि हम ऐसे कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करें जिसमें मानव विकास निरंतर ये आगे बढ़ता रहे। तो इसलिए लगातार सीखना ये हमारी उस परंपरा का एक हिस्सा है, इसको हमको जरूर बना के रखना है। उसी कड़ी में अब ये 2 दिन का एक कार्यक्रम रखा गया है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इतना बड़ा लोकतंत्र और दुनिया में किसी देश में नहीं है। चीन की आबादी भले हमसे ज्यादा है, लेकिन लोकतंत्र के नाते से उसको लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता। और ठीक नीचे पंचायत नगर पालिका से लेकर और ऊपर संसद तक हम सारी व्यवस्थाएं अपने जनजीवन को व्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से ही आगे बढ़ाते हैं। बहुत समझबूझ से बड़ा परिपक्व लोकतंत्र, कभी कभी लोकतंत्र में सामान्यतया मत विभाजन भी होते हैं, तो उस मत विभाजन में परिस्थिति पैदा होती है, बराबर बराबर की भी संख्या हो जाती है, तो हम अपने यहां इतने परिपक्व हैं, बराबर होने पर भी अपने फैसले बड़े आसानी से कर लेते हैं, कहीं टॉस से कर लेते हैं, कहीं किसी एक व्यक्ति को कास्टिंग वोट दे करके उस कास्टिंग वोट से कर लेते हैं, कहीं हम नाम अल्फाबेटिकली अगर हो तो ऊपर कौन आ गया नीचे कौन आ गया इसी हिसाब से ही फैसला कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ से कर लेते हैं, नियम पहले से बना होता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है उसका निर्णय हो जाएगा, दूसरे का नहीं होगा। तो इस प्रकार बहुत एक मैच्योर लोकतंत्र हमारा है, ये हमारी एक विशेषता है, और दुनिया इसकी तरफ देखती है। लोकतंत्र का अर्थ यह है कि सब लोग अपने लिए व्यवस्थाएं खुद बनाते हैं। पीपल गवर्नमेंट जो होती है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये जो कहा गया है कि हम खुद अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं,